वन वे रोड में, रोड से उतार दिया, उतार दिया और बंदर, अरे यार धन्ना हो चुकी है चालू। देवेन को नहीं बैठाया और मुझे भी नहीं बैठाया। देवेन पर टायर में हवा कम है, देख लेना। अपन आज है ना शर्ट लगाएंगे, शर्ट लगाने वाले हैं केपी से बैट, राइट? बैट लगाने वाले हैं ना, रेडी? देखो आज इनसे, आज इनसे 500-500 पेटीएम कराएंगे हम दोनों। क्या क्यों हंसी आ रही है इतनी? कनपुर की यात्रा होती है चालू। अब हम जा रहे हैं माता जी के मंदिर, जो हमारा फेवरेट मंदिर है, जहाँ हम पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम बहुत टाइम से नहीं गए, मतलब मंदिर को गए हुए बहुत टाइम हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है बहुत सालों में कि हम माता जी के मंदिर बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, वरना हम कुछ 2-3 महीने में चले जाते हैं, बट कोई ना, चलो। ये देखो ये परेशान कर रहा है मुझे, व्लॉग शूट नहीं करने दे रहा है। क्या डांडिया खेल रहा है यार देवेन। क्या कह रहे हो? यहाँ पर एक गांव है, उसकी अलग ही महिमा है। तो सारे गांव की तो वैसे भी अलग अलग ही महिमा होती है ना। नहीं नहीं, यहाँ की कुछ ज्यादा का कदम कदम पे भूख भूख है, कदम रखना पड़ता है, कदम कदम पे केक बांटते हैं। यहाँ कदम कदम पे धरती बदले रंग। कह रहे यहाँ कदम कदम पे धरती बदले रंग। आपको 2-3 कलर मिल जाएंगे। सो हम अपनी यात्रा को करते हैं कंटिन्यू। आप सब भी ब्लॉग पर बने रहो, ब्लॉग को एंजॉय करो, मेरे सारे ब्लॉग्स को देखो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, राधे 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 राधे, मिलेंगे बिहार। कितना बड़ा गड्ढा है, बट बच गए थे हम। अपन ये वाला गड्ढा है, हम इस गड्ढे में आधा आधा है, आधा पूरा, आधा आधा। ये अपन ने कोने से ली थी। तो प्रशांत कह रहा था कि मैं स्टाइल में घुमाऊंगा, बट हुआ क्या, ऐसी जगह पे डिवाइडर पे कैसे गड्ढा रहता है, आप ये बताओ, कभी देखा क्या? प्रशांत ने स्टाइल मारने की कोशिश करी और गाड़ी घूम गई, दौड़ 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 दौड़। हमारी कार में 2 विकेट गिरते हुए, एक यहाँ पर सो गया है और एक मैं और प्रशांत नहीं सो। मैं और प्रशांत को नींद ही नहीं आ रही, हम इतना म्यूजिक में इतना मगन है कि हमें नींद ही नहीं आ पा रही। हम बहुत दिनों बाद जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने, एंड हम नवरात्रि में तो आज तक नहीं गए, मैं तो आज तक नहीं गई। प्रशांत सर आप गए हो क्या? मैं तो लंगर लगाता हूँ भाई। अच्छा, तो प्रशांत सर नवरात्रि में दर्शन करने गए, भंडारा वगैरह भी करवाते, वाह बहुत अच्छी बात है। देवेन सर आप गए हो नवरात्रि में? मैं केपी देवेन फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ पर दर्शन करने, क्योंकि हम लोग हमेशा से ये मानते हैं कि भगवान के दर्शन तो सुकून में होने चाहिए, जहाँ पर हम बैठ के बात कर सके। भागी दौड़ी में हमें दर्शन नहीं पसंद, इसलिए हम नहीं जाना चाहते थे, पर इस बार हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ट्राई करें कि कैसा लगता है, कैसे दर्शन होते हैं। तो आज हम वही दर्शन करने जा रहे हैं, एंड आप सबको भी वही दर्शन कराने जा रहे हैं। आप सब घर बैठे बैठे सलगनपुर के दर्शन उनको पकड़ने के लिए माता जी को, तो माता जी वहाँ पर रुकती हैं, उनके पैरों के निशान रहते हैं वहाँ पर। अच्छा जी, तो वही पर तभी से ये मंदिर प्रसिद्ध है। जो मूर्ति है वहाँ पर, हाँ जी, वो आधी है। हाँ, जो मुगल रहते हैं, हाँ, वो मुगल ने उस मूर्ति को आधा तोड़ दिया, आप देखेंगे अच्छे से, तो वो आधी मूर्ति और है। अच्छा, तो इन्होंने हमें ये बताया है कि मुगल ने आधी मूर्ति कहीं और करती थी और यहाँ पर आधी मूर्ति है। सो हम सब ना बहुत सारे मंदिर जाते हैं, टेंपल्स जाते हैं, बट ना उनके पीछे की हिस्ट्री नहीं पता होती है, तो मंदिर जाएं तो उसकी हिस्ट्री भी पता करें। हाँ जी, हाँ, अब हम लोग नदी के पास आ गए, एंड थोड़ी देर में हम हमारी माता जी के पास होंगे। बिलीव मी, मैं जब भी लाइफ में कभी फंसी हूँ
या बहुत बुरा टाइम आया है या कुछ नया स्टार्ट किया है या कुछ भी जिंदगी में अच्छा बुरा हुआ है, सबसे पहले मैं इस मंदिर में आ जाती हूँ। और कल भी मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी एंड सुबह मैं यहाँ आ गई। तो ये ना महिमा तभी हो पाती है जब आप स्पिरिचुअली बड़ा कनेक्टेड हो। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना चाहिए, जिससे ना देखो प्रॉब्लम तो आनी है, दुख तो आना है, दर्द तो आना है, बट आपको उसको सहने की शक्ति भगवान दे देगा। एंड एक कहावत कही गई है कि बुरों का साथ भगवान देता नहीं है और अच्छों का साथ भगवान छोड़ता नहीं है। तो ऐसे ही अच्छे काम करते जाओ और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को हमारे साथ एंजॉय करते जाओ। घर बैठे बैठे सलगनपुर वाली माता जी के दर्शन कर लो। हम इतने दूर आए हैं, आप तो घर बैठे बैठे व्लॉग देख के कर सकते हो। तो अगर हमारे ये दर्शन आपको अच्छे लगे तो माता जी के लिए जय माता दी लिखना ना भूलें। वीडियो तो अच्छी लगनी है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड सलगनपुर का इतना प्यारा प्राचीन मंदिर को विजिट सबको कराना। सो स्टे ट्यून्ड, फाइनली हम आ चुके हैं नर्मदा नदी पे। ये नीचे तो आओ, नीचे मजा आएगा। तो हम जा रहे हैं नर्मदा जी के दर्शन करने, आप सब भी मिलो वहीं पर, स्टे ट्यून्ड। अब हम जा रहे हैं नर्मदा जी पे घूमने। ये हम निकले थे घर से छिंद जाने के लिए, पर हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे। तो ये बहुत मजा आ रहा है, पहले हम छिंद गए, फिर अभी हम नर्मदा जी पे आ गए, फिर हम सलगनपुर जाएंगे। हमारे नर्मदा जी के दर्शन हो गए। ये लोग पागल हैं। सो हमारे नर्मदा जी के दर्शन हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सलगनपुर। तो हम मिलते हैं सलगनपुर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो मैंने किपी को मारा धक्का और अब मैं आ चुकी हूँ आगे। तो अब मैं थोड़ी देर में गाड़ी चलाऊंगी। तो ये लोग मेरे को गाड़ी नहीं दे रहे यार, मैं कब से गाड़ी मांग रही हूँ, मुझे गाड़ी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे गाड़ी? मुझे गाड़ी नहीं दे रहा यार। केपी मुझे गाड़ी नहीं दे रहा ये। हाँ यार नहीं मिलेगी तेरे को, तेरे को पहले अभी थोड़ी शक्ल अच्छी करनी पड़ेगी गाड़ी चलाने की। मेरी शक्ल बहुत अच्छी है यार, दे दे गाड़ी। नहीं मिलेगी यार, मेरी गाड़ी है, तेरे को भाड़े भी दिए चलाने के लिए। कैसी रही है? आ गए हम मंदिर, फाइनली हम पहुंच गए मंदिर। चुके हैं एंड ड्राइवर सीट बदल गई है और ड्राइवर सीट पे आ गया ये इंसान और ये ऐसे जूं 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 करके चला रहा है, हम सब को डरा दिया है। रोड वालों ने बनवाया बट इस तरीके से चलाते हैं प्रशांत सर, अरे यार वो अलग वीडियो में लगे हुए, बहुत रिस्की तरीके से गाड़ी चलाता है ये लड़का। और पता है होंडा वालों ने ब्रेक दिया है कार के अंदर बट इसके पता नहीं पैरों में ब्रेक पे पैर जाते ही नहीं, सिर्फ रेस और एक्सीलेटर, रेस और एक्सीलेटर। अच्छा रेस और एक्सीलेटर एक ही होता है, कभी ओ सॉरी सॉरी मतलब क्लच। हम आ चुके सलगनपुर धाम, अब हम अंदर जाएंगे और बताएंगे कि हमारे दर्शन कैसे होते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। भीड़ बहुत ज्यादा है तो हम ज्यादा व्लॉग शूट नहीं करते, अंदर व्लॉग शूट करते, तब तक के लिए स्टे ट्यून। बजरंग बली जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर, तब मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ कितना सुंदर डेकोरेट है, पूरी लाइट्स बैलून्स और इस तरीके से मंदिर को डेकोरेट किया है, मंदिर को बहुत सुंदर है। मैं तो बहुत मारूंगी।
जाकर और परेशान कर गिरेगा ही। मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। अब अंदर जाके देखते हैं कि क्या शूट करने के लिए मिलता है मंदिर। सो अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ और हम जा रहे हैं मंदिर में एंटर करने। तो जैसा कि ये हमारा बहुत फेवरेट मंदिर है, हम यहाँ आते रहते हैं, तो चलो आपको भी दर्शन कराते हैं और माता जी से मिलवाते हैं और देखते हैं अंदर शूट कर भी पाते हैं कि नहीं। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और जाते जा रहे और कुछ ही देर में माता जी के दर्शन होने वाले हैं हमें भी और आप सबको भी। सो ये दर्शन तो करें और माता जी के दर्शन को जाओ। हमारे दर्शन हो गए हैं एंड मुझे लगता है आप सबके भी दर्शन हो गए। बहुत प्यारे दर्शन हुए, मुझे लगता नहीं था हम वीडियो बना पाएंगे बट हमने वीडियो बना ली। सो आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत खुश हूँ। तो बहुत मज़ा आया। अब मिलते हैं हम आगे तब एंड देखते हैं कि अब आगे क्या करेंगे। सो देवेंद दर्शन अच्छे से हो गए ना अंदर? बिल्कुल। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से बहुत प्यार से हो गए। ये है नारियल तोड़ने की जगह। तो जा रहा है प्रशांत नारियल तोड़ने। प्रशांत गो हेड, नारियल फटाक से तोड़ो, धूप बहुत है यार। तो अब हम जा रहे हैं दिव्य ज्योति के दर्शन करने जो सिर्फ 9 दिन में ही चलती हैं। तो नवरात्रि में ही इन ज्योति का आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा। सो ये रही हमारी माता जी की ज्योति, आप भी दर्शन कर लो। जय माता दी। क्यों शर्म वरम आती है थोड़ी बहुत? हाँ शर्म वरम आ रही है क्या? राम माता की गोद में लेटा हूँ। मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेट सकते हैं, आपकी माता जी की गोदी में सो जाओ। को कोई दिक्कत है नहीं ना, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो हम फाइनली मंदिर में आ चुके हैं, माता जी के दर्शन कर चुके हैं एंड बहुत अच्छा हमेशा की तरह एक्सपीरियंस रहता है। तो मैंने तो दोबारा जाके भी दर्शन कर लिए। तो हम मिलते हैं आगे, तब तक के लिए आप ये ब्लॉग देखते रहें, पसंद करते रहें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो हमारे यहाँ से दर्शन हो चुके हैं। तेरा नाम गोमू, दूसरा तेरे संग पीतू। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता था। तो यहाँ से होता है हमारा ब्लॉग कंप्लीट। तो हमारी सलगनपुर की यात्रा आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। एंड बहुत सुकून था यार, नवरात्रि में आके भी हमें दर्शन बड़े प्यार से हो गए और मैंने तो दो दो बार दर्शन किए, मुझे तो बहुत मज़ा आया। सो होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगे, होप यू लाइक दिस, क्या ये व्लॉग अच्छा लगना ही चाहिए? अगर ये व्लॉग अच्छा नहीं लगा तो फिर कौन सा व्लॉग अच्छा लगेगा? सो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। टाटा एवरीवन, बाय बाय। तो यहाँ से हमारी यात्रा होती है कंप्लीट। मैं आप सबके लिए प्रे करूँगी कि आपको गुड हेल्थ मिले एंड अच्छी वेल्थ मिले जिसको आप संभाल सको। एंड जैसे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू, आप सबको स्पिरिचुअल जर्नी मिले, भगवान आप सबको ये स्पिरिचुअल जर्नी के पास तक लेके आए। एंड लॉट्स ऑफ लव एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हमारा हो गया है ट्रिप ख़त्म और हम लोग थक चुके हैं। अब प्रशांत भाई बताएंगे कैसा लगा उनको। प्रशांत भाई कैसा लगा आपको ट्रिप पे? ट्रिप तो बढ़िया, बढ़िया मज़ा आ गया। अब देवेंद भाई आप डरे डरे बैठे।
डरे डरे बैठे हैं। क्यों डरे डरे बैठे हैं आप बताओ? डरे डरे बैठे हैं हमारा आगे पता चौथा पार्टनर कहाँ है हमारा? हमारा चौथा पार्टनर कार चला रहा है, इसीलिए सब डरे डरे बैठे हैं। और आप समझ ही सकते हैं ओ भाई ये सिंगल रोड पे कैसी गाड़ी चला रही है, दोनों हाथ पकड़े तब ओ भाई। तो अब आप खुद ही समझ लो। ओ अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों डरे डरे बैठे हम लोग। सिर्फ इसके पास एक्सीलेटर है। वन वे रोड में उतार दिया, उतार दिया।